हमें कहना नहीं चाहिए। मैं 1962 की बात बता रहा हूँ, जो देवलाल विपक्ष के नेता थे, ज्वाइंट पंजाब था, पंजाब हरियाणा हिमाचल एक था, और उस वक्त प्रताप सिंह कह रहा हूँ चीफ मिनिस्टर थे, केवल 34 वोटों से जीत गए थे। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ जो उस वक्त की है, और केवल 34 वोटों से विधानसभा में जीत गए थे। उनके बेटों पे बहुत एलिगेशन थे, करप्शन के इल्जाम लग रहे थे, जगह जगह सिनेमाज कोल्ड स्टोरेज खड़े कर लिए थे, पंजाब हरियाणा का सवाल आया था कि वो ये करके। इस सारे बात पे आके अपोजिशन ने, जिसमें जो देवीलाल मेन थे, उसके बाद अकाली दल था, जनसंघ से डॉक्टर बलदेव प्रकाश, बलराम जी दास टंडन, डॉक्टर मंगल सेन, ये सिग्नेचर हैं सारे, इन्होंने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा कि पंजाब में प्रताप सिंह कैरों के रिजीम में बहुत करप्शन हुई है, इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। और राष्ट्रपति ने तब डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, उन्होंने उस एलिगेशन के मेमोरेंडम को जो इन्होंने अपोजिशन ने दिया, उन्हें प्रधानमंत्री को रिकमेंड कर दिया कि इंक्वायरी कराएं। प्रधानमंत्री ने उस वक्त बड़ा टोटल बहुत अच्छी डेमोक्रेसी थी, उन्होंने इसे रिकमेंड कर दिया। एक ऐसा दास सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उन्हें बनाया, वन मैन कमीशन बना, और उसके खिलाफ प्रताप सिंह कह रहे हो चीफ मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ स्ट्रक्चर पास करे। स्ट्रक्चर पास होते ही जैसी जजमेंट आई, विद इन 6 आवर्स प्रताप सिंह कह रहे हैज टू रिजाइन एज चीफ मिनिस्टर। तो कांग्रेस ने तो ये काम करते हैं, उनके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशन है। बाकी मैं कन्फर्म तो नहीं कह सकता, पुरानी बात है, 60s में शायद नंदिनी सतपति या एक जगन्नाथ मिश्रा थे, जगन्नाथ मिश्रा तो लालू जी के साथ जेल में भी काटे, अब जेल में है अभी, उनके खिलाफ करप्शन के चार्ज, घोटाले के चार्जेस, इसके चारे के चार्जेस, वो लगे जेलें काट रहे हैं। कभी हमने 7 साल में टोटल ट्रांसपेरेंसी की सरकार दी है, बहुत बढ़िया तरीके से कराए, सबका साथ सबका विकास दिए, मोस्ट कॉम्पिटेंट पूरी कैबिनेट है, हर तरीके से हर बात पे उन्हें रिप्लाई करा, जितना मांगा उसका जवाब दिया गया।